तो आज स्ट्रीम में आपको बताएंगे डीजीपी केस में क्या नया हुआ है, स्कूली शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ी भी यहां जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा शास्त्री भर्ती में भी आज कुछ नया हुआ है, जुआरियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, कहां ये कार्रवाई हुई है इसके बारे में आपको बताएंगे, और मौसम का हालचाल भी आपको कार्यक्रम के आखिर में बताएंगे। तो कार्यक्रम में अंत तक जरूर बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल के बहुचर्चित डीजीपी केस के बारे में। तो यहां एक अपडेट सामने आ रही है, कारोबारी निशांत शर्मा की शिकायत पर एफआईआर करने की तैयारी है। खबर है कि कारोबारी निशांत शर्मा की शिकायत पर अब एसपी कांगड़ा एफआईआर दर्ज करेंगी। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कहा कि डीएसपी ज्वालामुखी विकास धीमान इस केस में मामला दर्ज करेंगे। आपको बता दें, निशांत शर्मा ने अपनी शिकायत में डीजीपी संजय कुंडू पर कुछ आरोप लगाए थे। इस पर हाईकोर्ट ने एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा से रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने इस केस के लिए सीनियर एडवोकेट नीरज गुप्ता को कोर्ट मित्र भी नियुक्त किया है। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। वहीं डीजीपी मामले में ही कारोबारी व दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मकलोडगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो शिक्षकों से रिलेटेड है। शास्त्री भर्ती हाईकोर्ट में। जी हाँ, शास्त्री भर्ती की लड़ाई भी अब हाईकोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने इस बार शास्त्री के भर्ती नियमों में बदलाव करते हुए बीएड शास्त्री और बीए एमए संस्कृत को भी पात्र घोषित कर दिया था। इसी अनुसार काउंसलिंग भी शुरू होने वाली है, लेकिन अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हालांकि कोर्ट में फिलहाल काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोका गया है, लेकिन नियुक्ति कोर्ट के अंतिम फैसले से प्रभावित रहेगी। उससे पहले काउंसलिंग में बीएड शास्त्री और बीए एमए संस्कृत अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो है नए प्रिंसिपल की पोस्टिंग से रिलेटेड। तो स्कूलों को 100 से ज्यादा नए प्रिंसिपल मिलने वाले हैं। इनकी डीसीपी की प्रक्रिया पूरी हो गई है और स्टेशन लगने के लिए अब फाइल चल रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कल अपने कार्यालय लौट आएंगे और उसके बाद ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। ये प्रमोशन प्लेसमेंट के जरिए होने जा रही है। अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की। तो राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत एम्पैनल्ड अस्पतालों के मासिक क्लेम को जारी कर दिया है। अस्पतालों की तरफ से हर महीने हिमकेयर योजना के तहत 35 करोड़ तक के क्लेम किए जा रहे हैं। हालांकि हिमकेयर योजना के तहत अस्पतालों को 173 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान होना अभी भी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है, जल्द ही लंबित राशि का भुगतान भी अस्पतालों को कर दिया जाएगा। हिमकेयर के तहत प्रदेश में 278 अस्पताल पंजीकृत हैं, जिनकी सूची विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रदेश के बाहर पीजीआई और एम्स चंडीगढ़ भी पंजीकृत है। इस योजना के अंतर्गत 30 स्पेशलिस्ट चयनित हैं, जिसमें 2227 शल्य चिकित्सा व अन्य बीमारियों का उपचार शामिल है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। तो एचआरटीसी की संयुक्त समन्वय समिति हरियाणा के लिए अपनी बस सेवा बंद नहीं करेगी। दरअसल आपको यहां पे बता दें कि हरियाणा में रोडवेज ड्राइवर की हत्या के मामले के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से इनमें रोष था, और उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी नहीं किए जाने की सूरत में हरियाणा के लिए एचआरटीसी की सेवा बंद करने का ऐलान किया था। लेकिन इस संदर्भ में एचआरटीसी संयुक्त समन्वय समिति ने हरियाणा सरकार को पत्र भी लिखा था। ऐसे में अब एचआरटीसी जेसीसी के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर कहते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा उनकी मांगों को मान लिया गया है। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने भी हड़ताल को वापस ले लिया है। ऐसे में एचआरटीसी की सेवाएं भी हरियाणा के लिए सुचारू रूप से चलेंगी। हालांकि उन्होंने मांग उठाई है कि एचआरटीसी के चालक परिचालकों की सुरक्षा के लिए सरकार मेडीपर्सन एक्ट लागू करे। अब यहां बात करते हैं आरोप प्रत्यारोप की। तो डिप्टी सीएम पर बरसे हैं बिंदल। जी हां, मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि मुकेश का बयान झूठ का पुलिंदा है, जिसमें उन्होंने गारंटियां पूरी करने की बात कही है। 2022 के चुनाव में गारंटियों पर गारंटियां देते चले गए और बोलते समय सांस भी नहीं लिया कि कितनी गारंटियां दी जा चुकी हैं। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश के हर गांव, हर गली, हर गूचे की दीवारों को गारंटियों के लेखों से भर दिया गया, और चिल्ला चिल्लाकर कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में गारंटियां पूरी करेंगे, लेकिन गारंटियां कहीं भी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग से भी यहां पर एक खबर है। पीडब्ल्यूडी में प्रमुख अभियंता की तैनाती फंस गई है। बीते 1.5 महीने से पद पर किसी भी अधिकारी का नाम तय नहीं हो पाया है। पहली मर्तबा विभाग के एक खास पद को भरने में इतनी देरी हो रही है। आपको बता दें, 30 सितंबर को ईएनसी प्रोजेक्ट दीपक शर्मा सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद ये पद खाली हो गया है। ईएनसी प्रोजेक्ट के पास मुख्य रूप से गुणवत्ता की निगरानी का कार्यभार रहता है। प्रदेश भर में जो भी काम लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं, उसकी जांच ईएनसी प्रोजेक्ट के माध्यम से ही पूरी होती है। अब प्रमुख अभियंता का पद खाली होने की वजह से इन कामों पर ब्रेक लग गई है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों से संबंधित भी यहां पर खबर है। बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की अदायगी नहीं हो पा रही है। 1/1/2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनमानों के लाभ से वंचित रखा गया है, और इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है। ये बात बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कही। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में अप्रैल माह से आज तक लगभग 125 करोड़ रुपए की ड्राइंग लिमिट्स लंबित है,
इसकी वजह से पेंशनरों और कर्मचारियों के आर्थिक लाभों की अदायगी नहीं हो पा रही है। उन्होंने आगे कहा, इसी महाविद्युत बोर्ड लिमिटेड ने 200 करोड़ रुपए का ऋण लिया और उससे ठेकेदारों के कार्यों की ड्राइंग लिमिट्स जारी कर दी, जबकि 30-35 साल तक विद्युत बोर्ड लिमिटेड में सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति के लाभों का इंतजार करते ही रह गए। जुआरियों से पुलिस ने 18 लाख जब्त किए हैं। खबर है शिमला की। शिमला पुलिस ने जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पोषणा में पुलिस ने 35 जुआरियों को जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों से जुए में लगाई हुई 18,38,000 की नकदी को भी पकड़ा है। ये कार्रवाई कुल्लू जिला की निर्मण तहसील के पोषणा में की गई। अब तक ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। तो हिमाचल में अभी बारिश बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से अनुमान लगाया गया है कि प्रदेश में 22 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान पूरे प्रदेश में चटक धूप खिलने के आसार हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से खिल रही लगातार धूप के कारण प्रदेश में दिन के समय जहां मौसम सुहावना बना हुआ है, तो वहीं सुबह और शाम के समय हल्की ठंड है। वहीं अगर पिछले कल से तुलना करें तो प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री का उछाल आया है। राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा लाहौल स्पीति जिला के केलांग में न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल्पा में न्यूनतम तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला में 10.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा आज ओकओवर में सीएम की बैठक हुई है। क्या कुछ मुद्दे यहां पर रहे हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और प्रदेश में सौर ऊर्जा योजनाओं की रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक की सौर परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40% सब्सिडी देने की घोषणा की है, तथा विभाग इस योजना को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने के दृष्टिगत इसकी रूपरेखा शीघ्र तैयार करे। सीएम सुक्खू ने कहा कि इस योजना से जहां हिमाचली युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं हिमाचल को हरित राज्य बनाने में वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों को भी इससे बल मिलेगा। आज शाम के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल की तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए।